दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया आपके अपने YouTube चैनल इंपोर्ट लाइफ एलटेक में। मेरा नाम दिलसाद और आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो टाटा आईपीएल का पहला मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं इस मैच पे अपनी ग्रांड लीग टीम या तो स्मॉल लीग टीम बनाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस मैच से जो है आपको रिलेटेड हेडकॉर्ड्स प्लेयर रिकॉर्ड्स प्लेयर स्टेट्स प्लेइंग 11 रिसेंट फॉर्म पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी साथ साथ ग्रांड लीग की टीम कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला। तो यार वीडियोस के साथ आप लोग बने रहें एंड दोस्तों वीडियोस को आप लोग अभी से जो है लाइक कर दीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जो कि आपको मेरे रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट होते हैं वही मिल जाते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है गाइस, तो फिलहाल आपको देखिए जिस वीडियोस को देख रहे हैं उसके टाइटल पर क्लिक करिए और यहाँ पे आइए, देखिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से टेलीग्राम चैनल का जो प्रोफाइल होगा गाइस आप लोगों को देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं दोस्तों यहाँ पे प्राइम टीम नहीं देता, ये लोगो आप देखिएगा इस जिसमें मैंने खुद लिखा है यहाँ पे कि मैं कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है ये ध्यान देना है गाइस। आप उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑफिशियली यूट्यूब चैनल जो है लिंक कर रखा है मैंने, इस पे दोस्तों क्लिक करके एक बार जरूर चेक कर लेना है कि मेरे अगर टेलीग्राम चैनल से आप यूट्यूब चैनल पर आते हैं गाइस इस लिंक के द्वारा तो समझ लीजिए रियल है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट आपको मिल जाएंगे एंड दोस्तों वो आपको प्राइम वगैरह देते हैं मेरे नाम से, तो बिल्कुल आपको पैसे नहीं देना। दोस्तों बात करते हैं मैच डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों पहला मैच होगा आईपीएल का जो कि स्टार्ट होगा 31 मार्च इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों मैच खेला जाएगा, जो कि यह स्टेडियम अहमदाबाद में पड़ता है और इस स्टेडियम का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करते गाइस 160 का ज्यादातर रहा है एंड दोस्तों दोनों टीम के बीच में देख लेते हैं हेड कॉर्ड्स के कितने मैच खेले गए। देखिए दोस्तों दो मैच यहां पे हेड कॉर्ड्स के खेले गए जिसमें कि गुजरात टाइटंस ने दोनों के दोनों मैच को विन किया हुआ है एंड यहां पे चेन्नई के दोस्तों जो है पिछले सीजन आपने देखा एक भी मैच की विनिंग जो कि हेड कॉर्ड्स में नहीं मिली गाइस। अगर आपने अभी तक इंडिया का सबसे जल्दी ग्रो होने वाला फैंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशन रियल 11 नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने दे दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में एक बार जानेंगे मेरे भाई तो बिल्कुल ही आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बेनिफिट आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आप कहीं दूसरे एप्लीकेशन पर जा ही नहीं सकते। पहला देखिए बता देता हूं, यहां पे फर्स्ट गेम आप बिल्कुल फ्री में खेल सकते हैं, उसके बाद 5,000 का वेलकम बोनस भी दोस्तों आपको मिलता है और सबसे अच्छी बात यहां पे आपको जो है तीसरी चीज आपको बता देता हूं कि लोवेस्ट एंट्री फी आपको देनी पड़ती है गाइस, हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उनको देखते हुए सबसे लोवेस्ट एंट्री फीस आपको रियल में देने पड़ता है एंड चौथा जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपिनियन एंड पोल्स, मतलब कि आप दोस्तों यहां पे बता सकते हैं कि जैसे कि कोई भी प्लेयर खेल रहा है, जैसे कि मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी कितने रन बनाएगा तो आप बता सकते हैं गाइस और पैसे यहां पे दोस्तों विन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपना पोल देख करके एंड पांचवा दोस्तों यहां पे देखिए फ्री इंस्टेंट कैश विड्रॉल बहुत ही जल्द होता है, जो कि आपका विनिंग होगा तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है और सबसे अच्छी बात यहां पे 24 आवर्स आपको यहां पे कस्टमर सपोर्ट मिलता है, कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत कॉल कर सकते हैं एंड उसके बाद यहां पे 0 कमीशन लीग दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा, किसी भी लीग को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता अदर फैंटेसी एप्लीकेशन के देखते हुए दोस्तों एंड उसके बाद यहां पे आपको रेगुलरली फ्री गिवअवे मिलते हैं, 100% दोस्तों एसरेट विनिंग है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं भाई 100% विन मिल जाता है आपको एंड उसके बाद यहां पे रिफर एंड ईयर ऑफ निजिटी, मतलब कि दोस्तों को अपने इनवाइट करें और यहां पे दोस्तों खेलना स्टार्ट करिए, बहुत ही गजब का एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए मेरे, वहां पे दोस्तों आपको रियल 11 की जो कि फाइनल टीम फ्री में टीम मिल जाती है गाइस और यहां पे जीतना दोस्तों बहुत ही आसान है, तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गाइस। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम है किस प्रकार से यहां पे रिकॉर्ड रहा है आईपीएल या T20 रिकॉर्ड वो भी हम जानने वाले हैं गाइस। देखिए पिच रिपोर्ट सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो वेन्यू है ये जो कि फिलहाल ब्लैक सॉइल पिच है एंड रेड सॉइल पिच भी है एंड देखिए पिच जो कि ब्लैक सॉइल किस प्रकार से काम आती है तो दोस्तों बैटर के लिए बाउंस मतलब ऑफर करती है, ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सॉइल पिच जो कि रहती है दोस्तों रेड सॉइल पिच वो विच ड्राई सून इन रिसेंट मैचेस इसलिए सेस आल्सो बैटर एंजॉय है, मतलब कि जो दोस्तों यहाँ पे बता दूं रेड सॉइल पिच ये बैटर्स के लिए इंजॉयमेंट होती है और जो यहाँ पे दोस्तों चेसिंग करने में सबसे ज्यादा जो कि इस प्रकार की पिच जो कि बैटर्स को हेल्प करती है एंड बात करेंगे यहाँ पे जो लास्ट 5 मैचेस जिसमें कि रिकॉर्ड बॉलर्स के लिए जिस हिसाब से यहां पे पिच जो है बिहेवियर करी है, पेसर को 33 विकेट मिली थी दोस्तों, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं 21 विकेट दोस्तों फर्स्ट इनिंग में देखने को मिली थी एंड उसके बाद 20 इनिंग की बात करते हैं 12 विकेट दोस्तों जो पेसर को यहां पे लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं। स्पिनर को दोस्तों यहां पे जो 5 मैच में विकेट मिली थी 19 विकेट जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 11 विकेट और सेकंड इनिंग दोस्तों यहां पे 8 विकेट मिली थी एंड दोस्तों जो लास्ट 5 मैचेस हमने देखा है जिसमें यहां पे पेसर और स्पिनर को हेल्प मैंने दिखाया तो गाइस इनका जो है पैटर्न क्या था स्कोरिंग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट इनिंग में जो कि 5 मैच यहां पे खेले गए थे जो
लास्ट फाइव वाले मैंने दिखाए, यहाँ पर देखिए 130 ठीक है, 9 विकेट की नुकसान पे, उसके बाद फिर 157, 8 विकेट, यहाँ पे 166, 6 विकेट, फिर यहाँ पे 179, 5 विकेट, फिर यहाँ पे 154, फिर 6 विकेट। दोस्तों ये पांच मैच का मैं फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड इनिंग स्कोर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो बनाएगा 133, 3 विकेट, फिर यहाँ पे 161, 3 विकेट, यहाँ पे 167, 3 विकेट, फिर यहाँ पे 145, 8 विकेट, यहाँ पे 156, 3 विकेट। गाइस ये स्कोरिंग पैटर्न था जो कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का लास्ट पांच मैच का इस ग्राउंड पे। दोस्तों अब आगे बढ़ते गाइस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एंड देखिए स्टेडियम जो रहने वाला गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेडियम होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से गाइस जो ग्राउंड है थोड़ा सा बैलेंस्ड भी हो सकता है, मतलब थोड़ा ग्राउंड दोस्तों बड़ा भी देखने को मिला है ठीक है। तो पिच इस प्रकार से रहने वाली है एंड मेरे हिसाब से यार बॉलर्स और बैट्समैन जहां तक दोनों को हमें अपनी टीम में पिक करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड दोस्तों ऑफर करता है बैटिंग के लिए तो ठीक ठाक है, बट पेसर और को स्पिनर को भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। आगे बढ़ते गए यहाँ पे टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटन्स के सबसे पहले हार्दिक पंड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जोशुआ लिटिल दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं एंड जो और अपडेट रहेंगे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो दोस्तों जाइए वहां से क्लिक करिए और वहीं से आपको ज्वाइन करना है ठीक है, जब भी आप मेरे रियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो पाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के टीम न्यूज के बारे में। कैली जिमिसन आपको पता रूल आउट है टीम से एंड इनके जगह पे दोस्तों सिसंदा मंगला आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि रिप्लेसमेंट है, बट यार प्लेइंग में बहुत ही कम चांसेस उनके रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के दूसरे टी20 मैच में वो वही थे साउथ अफ्रीका में ही। एंड बात करते हैं और अपडेट जो रहेंगे चेन्नई सुपर किंग के, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग के बारे में दोनों टीम के, तो फिलहाल जो प्लेइंग 11 रहेगी यार सीएसके की जो सगेसिंग मतलब प्रबल रह सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों यहां पे देखिए ऋतुराज गायकवाड़ एंड उसके बाद यहां पे आपको डेविन कॉनवे ये जो कि मिलने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर पे यानी कि ओपन करते दिखाई दे सकते हैं, एंड वन डाउन आपको मोइन अली देखने को मिल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर है, बेन स्टोक दोस्तों लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, या आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। अब बती राइड जो कि थोड़ा सा मिडिल पर देखने को मिलेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है, शिवम दुबे लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर भी है, बट दोस्तों स्पिल देखिए पार्ट टाइम बॉलर से कभी कभी स्पिल करा देते हैं दोस्तों, कंफर्म नहीं होता है ठीक है, ज्यादा डिपेंड आपको नहीं होना। महेंद्र सिंह धोनी जो कि टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है एंड उसके बाद यहाँ पे रविंद्र जडेजा दोस्तों दिस में देखने को मिल सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से पहले भी बैटिंग करने आ सकते हैं, बट दोस्तों ये स्पिल कराएंगे पूरे के पूरे, तो होप कि ये नीचे ही बैटिंग करने आएंगे। दोस्तों डिविन प्रोटियस आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है, राइट हैंड पेसर बॉलर राइट हैंड बैट्समैन है एंड उसके बाद यहाँ पे दीपक चहर राइट हैंड मीडियम बॉलर है, सिमरजीत सिंह राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है। देखिए और जो अपडेट रहेंगे प्लेइंग 11 से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी अभी के लिए जो प्रबल प्लेइंग 11 रहेगी गाइस ये आपको देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करते हैं गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 के बारे में, शुभमन गिल वृद्धिमन साधु तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग करते नजर आ सकते हैं, जिसमें कि शुभमन गिल राइट हैंड बैट्समैन है और वृद्धिमन साहब विकेट कीपर राइट हैंड बैट्समैन है। मैथ्यू वेड के जहां तक मुझे लग रहा है कम चांसेस रहेंगे, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट दोस्तों आपको मिलता रहेगा। एंड वन डाउन बैट्समैन बैटिंग करने अपनी टीम के लिए दोस्तों केन विलियमसन आ सकते हैं जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, हार्दिक पंड्या आपको टॉप ऑर्डर पर मिलेंगे, हार्दिक पंड्या टीम के कैप्टन भी है, राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम बॉलर है, स्पिन तो जहां तक मुझे लग रहा है इनके भी कंफर्म रहेंगे कराएंगे दोस्तों, बट उतना मतलब ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है। मैथ्यू वेड दोस्तों आपको मैंने कहा कि मिलेंगे, यहाँ पे देखिए टॉप ऑर्डर नहीं मिडिल ऑर्डर पे आपको देखने को मिलेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। जहां तक गाइस थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही कि मैथ्यू या वृद्धिमन साहब दो में कोई शायद एक ही खेल सकता है, बट क्योंकि आपने देखा था पिछले सीजन में वृद्धिमन साहब बहुत नीचे मतलब कुछ लास्ट के मैचेस में आए थे ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है टीम का, बाकी यार अपडेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे राहुल तेवतिया थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, राशिद खान राइट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली बॉलर है, मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट बॉलर है, यश डियाल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है ठीक है। अब बात कर ली हमने प्लेइंग के बारे में, अब थोड़ा सा इनके स्टेट्स के बारे में गाइस बात करते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं गुजरात टाइटन्स प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, जो यहाँ पे दोस्तों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए शुभमन गिल के बारे में जान लेते हैं गाइस, शुभमन गिल और वृद्धिमन साह ये आपको ओपन करते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल की बात करते हैं हेडक्वार्टर्स यानी कि चेन्नई के केस में 10 मैच इन्होंने खेले जिसमें 106 रन बनाए, 22 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। एंड वेन्यू की बात करते हैं गाइस, 4 मैच ग्राउंड पर भी खेले जिसमें कि 223 रन बनाए, 111 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुइटेबल पिच है शुभमन गिल के लिए। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं लास्ट के 4 मैच, तो यहाँ पे देखिए 126 नॉट आउट, उसके फिर 20, फिर 0 एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 37 ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार हेडक्वार्टर्स और वेनक्वार्टर्स बहुत ही ज्यादा इनका कंसिस्टेंट है शुभमन गिल का, तो भाई मेरे इनको टीम में लेकर के जाना चाहिए। और आपको पता होगा जो यहाँ पे इन्होंने मैच खेला था टीम इंडिया न्यूजीलैंड के केस में, भाई वहाँ पे भी इन्होंने शतक जड़ा था याद होगा ठीक है, जो पहले मैच में मैंने अपडेटेड वीडियोज में क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों शुभमन गिल को आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा,
उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वृद्धिमान शाह की। दोस्तों वृद्धिमान शाह जो कि 15 मैच खेले हैं हेड कोच के, जिसमें कि 259 रन बनाए, 29 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। एंड वेन्यू पे बात करते हैं, इस ग्राउंड पे 5 मैच उन्होंने खेले जिसमें कि 43 रन बनाए, 10 के ओवर से बैटिंग कर रहे। तो यार वेन्यू जो है इनको कुछ खास हेल्प नहीं दे रही है। एंड रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं कि जो आईपीएल के रहे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 81 फिर 5 फिर 5 रन, वो भी नॉट आउट रहे दोस्तों। तो मतलब आपने ये भी देखा होगा कि आईपीएल के कुछ लास्ट के मैचेस में इन्होंने टीम को बढ़िया रन प्रोवाइड करे थे, अच्छी खासी दोस्तों टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कर रहे थे आकर के। एंड टीम की रखने की बात करें सिलेक्शन की, तो यार जो है वृद्धिमान शाह या तो मेथिवेट, दो में किसी एक को मैं पिक करके जाऊंगा जहां तक मेरे पास ऑप्शन रहने वाला है। पहले मेथिवेट को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों क्लियर करूंगा, ठीक है। केन विलियमसन जो कि आपको वन डाउन बैटिंग करते नजर आएंगे, हेड कॉर्ड्स के 12 मैच इन्होंने खेले जिसमें अगर हम बात करते हैं 417 रन बनाए दोस्तों और 42 के उससे बैटिंग करें चेन्नई के अगेंस्ट में। वेन्यू पे इनके एक भी मैच नहीं दोस्तों। एंड रिसेंट फॉर्म की बात करें 26-85-53-43 बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो यार केन विलियमसन को और शुभमन गिल को अभी के लिए फिलहाल आप पिक कर लीजिए। हार्दिक पांड्या टीम के कैप्टन भी हैं, 13 मैच इन्होंने खेले हेड कॉर्ड्स के जिसमें 171 रन है और 28 के ओवर से बैटिंग भी कर रहे हैं, 13 मैच है दोस्तों, 8 विकेट भी इनकी। वेन्यू पे 8 मैच है जिसमें कि 150 रन भी बनाए, 30 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं और 8 मैच में 10 विकेट भी है इस ग्राउंड पे। तो यार कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए 30 रन पे 4 विकेट, 25 रन 1 विकेट, यहाँ पे 1 रन प्लस 0 विकेट, 40 रन प्लस 3 विकेट, तो कंसिस्टेंट है गाइस ये, ठीक है। एंड देखिए इस ग्राउंड पे मैंने बताया कि शुभमन गिल शतक लगा के आ रहे न्यूजीलैंड के केस में, भाई हार्दिक पांड्या का बढ़िया फॉर्म था, 30 रन प्लस 3 विकेट थी इनकी इस ग्राउंड पे दोस्तों, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या इन पे आपको जरूर जरूर फोकस करना है मेरे भाई, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर भी ठीक है, वेन्यू पे भी ठीक है, रिसेंट भी ठीक ठाक है दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मेथिवेट की बात करते हैं गाइस, 2 मैच है जिसमें 51 रन है, 25 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं चेन्नई के अगेंस्ट में। एंड वेन्यू पे 1 मैच है जिसमें 8 रन है, तो यार वेन्यू पे थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस है इनका। रिसेंट फॉर्म 46-53-13 नॉट आउट, उसके बाद यहाँ पे 0 गाइस। पीएसएल में देखा आपने गाइस, उसके साथ साथ बिग बैश लीग में देखा, तो जहां तक मुझे लग रहा कंसिस्टेंट थे कुछ मैचेस में, और इस मैच में देखिए चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा करेंगे। बाकी इनको अगर हम ड्रॉप करेंगे तो फिर मेरे पास ऑप्शन रहेगा वृद्धिमान शाह दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, दो में किसी एक को ही आप रखें। राहुल तेवतिया की बात करते हैं, 8 मैच है जिसमें कि 50 रन है दोस्तों चेन्नई के अगेंस्ट में, 10 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं और 8 मैच में 8 विकेट भी हैं। स्पेल दोस्तों इनको भी मिलने वाले हैं। एंड वेन्यू पे 4 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि 10 रन है, 4 मैच में 1 विकेट है, ग्राउंड इनको थोड़ा सा कम हेल्प दे रहा है। रिसेंट फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 रन प्लस 4 विकेट, 34 रन प्लस 2 विकेट, उसके अंदर पे 25 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 19 रन नॉट आउट प्लस 3 विकेट गाइस, तो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट ये भी है। तो राहुल तेवतिया हमारी टीम में दोस्तों रहने ही वाले हैं। एंड दोस्तों उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए राशिद खान और शिवम मावी, मोहम्मद शमी, यजडयाल, जोशुआ लिटिल। राशिद खान देखिए 12 मैच हेड क्वार से खेले हैं जिसमें कि 88 रन बनाए, 12 मैच में 11 विकेट भी है। एंड वेन्यू पे 1 मैच है जिसमें दोस्तों 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं 4 मैचेस की, देखिए यहाँ पे 2 विकेट 1 विकेट, ये 1 विकेट, कंसिस्टेंट है टीम में दोस्तों, इनको भी हम लेकर के चलेंगे। शिवम मावी हेड क्वार के 4 मैच जिसमें 2 विकेट है। एंड वेन्यू पे दोस्तों 3 मैच में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखिए कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, तो फिलहाल मैं टीम से इनको ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। मोहम्मद शमी की बात करते हैं, मोहम्मद शमी देखिए कुछ ज्यादा कंसिस्टेंट है, 11 मैच में 9 विकेट, वेन्यू पे 4 में 3 विकेट। बट दोस्तों अगर आप देख रहे हैं रिसेंट, तो फिलहाल जो है इनकी 3 विकेट, उसके बाद यहाँ पे फिर 3 विकेट, फिर 0, फिर 0, मतलब लास्ट के मैच में कुछ डिसेंट फॉर्म में, मतलब उतना ज्यादा इन फॉर्म नहीं नजर आएंगे। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4 में 3, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मतलब रिस्की हो सकते हैं, 11 में 9, ये भी दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सभी टीम में इनको रखना नहीं चाहिए। यजडयाल की बात करते हैं, तो 2 मैच में 1 विकेट है एंड इस ग्राउंड पे दोस्तों 1 मैच में 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म यहाँ पे 4 मैच में दोस्तों 1 ही विकेट है, तो यार कंसिस्टेंट नहीं है ये भी। तो मेरे हिसाब से यार यजडयाल को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। मोहम्मद शमी की बात करें, यार मोहम्मद शमी को देखिए सभी लोग लेकर के जाएंगे, जहां तक मैं ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लूंगा। अगर 2 टीम बनाऊंगा तो 1 टीम में रखूंगा, बाकी 1 टीम से मैं ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकता हूं। बाकी दोस्तों पहली टीम में तो रखना कंपलसरी रहेगा, जिसे आपसे सामने वाली टीम का हेड कोच है उसके अकॉर्डिंग। जोशुआ लिटिल का दोस्तों पहला डेब्यू मैच था रहने वाला है। तो रिसेंट अगर बात करते हैं, यहाँ पे 4 विकेट, 0 विकेट, फिर 1, फिर 1, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 4 मैच लास्ट के भाई 6 विकेट है, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है। जोशुआ लिटिल को हम लेकर के जा सकते हैं अपने टीम में। एंड उसके बाद बात करते हैं आगे, जो कि यहाँ पे सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 के बारे में तो जान लिए, प्लेयर स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस टीम के जो ओपनर हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं गाइस। स्टेट्स ऋतुराज गायकवाड़ देखिए हेडक्वार्टर्स के 2 मैच हैं जिसमें 26 रन है, 63 के ओवर से बैटिंग करते हैं, वेन्यू पे 1 भी मैच नहीं है। एंड रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट है जो कि इन्होंने मैच खेल करके आ रहे हैं, आपने देखा है, ठीक है। एंड डेविन कॉनवे की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल डेविन कॉनवे 1 मैच है हेडक्वार्टर्स का गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट में जिसमें 5 रन है, 5 के ओवर से बैटिंग करने, ग्राउंड पर दोस्तों 1 मैच है जिसमें 1 रन है। एंड रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब बैटिंग दोस्तों ठीक ठाक कर लेते हैं। अब बात करें सिलेक्शन की, देखिए 63
कैकरोज बहुत ही होता है ऋतुराज कैकरोज जो कि गुजरात टाइटंस के केस में, तो टीम में दोस्तों लेकर के जा सकते हैं। डेविन कॉर्नर की बात करते हैं, थोड़ा सा इनका हेडक्वार्टर गाइस थोड़ा सा खराब भी है, 5 और रिसेंट वेन्यू पे देखते हैं 1 ही रन है एंड रिसेंट तो खास है, तो डेविन कॉर्नर के ऊपर उतना ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, तो बट गायकवाड़ को हम टीम में लेकर के चलेंगे। वन डाउन बैट्समैन मोइन अली जो कि अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर के, 2 मैच हैं जिसमें कि 22 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और 22 रन बनाए, 11 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, 2 मैच में 1 विकेट है, तो इनका भी दोस्तों कुछ खास नहीं है हेडक्वार्टर वेन्यू पे, एक भी मैच नहीं। रिसेंट फॉर्म में देखिए 2 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद 8 रन प्लस 1 विकेट, 15 रन प्लस 1 विकेट, 9 रन प्लस 0 विकेट, फिर ये भी देख रहे हैं कुछ ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं, बट यार बैटिंग टॉप ऑर्डर पे करने आगे स्पेल भी मिल सकते हैं, तो जहां तक इनके पास डबल स्कोप रहेगा गाइस तो फिर मैं इनको लेकर के जाऊंगा अपनी टीम में, ठीक है। ये 2 प्लेयर का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, डेविन कॉर्नर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे बट दोस्तों रख भी सकते हैं आप। एंड उसके बाद बेन स्टोक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर का एक भी मैच नहीं है एंड वेन्यू पर दोस्तों 5 मैच इन्होंने खेले, 84 रन बनाए, 21 करोड़ से बैटिंग करें और 5 इनिंग में 3 विकेट भी निकाली गई। रिसेंट फॉर्म यहाँ पर इस प्रकार से रहा गई, 52 नॉट आउट, उसके बाद यहाँ पे 42 नॉट आउट, विकेट भी खास में दोस्तों हाथ में इनके, यहाँ पे भी दोस्तों विकेट है। एंड टीम में सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो किस पे इनके भी कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है, बेन स्टोक के, मोइन अली के, जहां तक पार्ट टाइम बॉलर्स रहने वाले हैं तो बेन स्टोक को भी दोस्तों हम ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में, ठीक है। अंबती रायडू की बात करते हैं, 1 मैच है हेडक्वार्टर का जिसमें 46 रन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। वेन्यू पे दोस्तों देख लेते हैं, 3 मैच है जिससे कि 49 रन है, 24 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देखिए 0 फिर 33 फिर 17 फिर 9। एंड अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन की तो यार अंबती रायडू, बेन स्टोक, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन जहां तक मैं ड्रॉप करने के लिए भी सोच सकता हूँ, ये जो कि सिलेक्शन रहने वाला। शिवम दो भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं, 2 मैच है हेडक्वार्टर के जिसमें कि 19 रन है, 9 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों, वेन्यू पे भी इनका एक मैच नहीं है। रिसेंट फॉर्म अगर देख रहे हैं जो ये खेल करके आ रहे हैं, 28 रन प्लस 0 विकेट, यहाँ पे 25 रन प्लस 1 विकेट नॉट आउट, यहाँ पे 13 रन प्लस 2 विकेट, 7 रन प्लस 1 विकेट, बट ये देखिए आईपीएल पार्ट टाइम बॉलर्स नहीं हो सकते, इस पर भी नहीं मिलेंगे, तो बैटिंग उतनी खास इनकी रहती नहीं है, तो दोस्तों मैं टीम से पहली वाली ड्रॉप करके इनको जाऊंगा। बाकी प्लेयर की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा जो कि आपको डेथ में बैटिंग करते नजर आएंगे। एंड अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, देखिए बैटिंग आपको पता है ज्यादा इनके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं होना, विकेट कीपर सेक्शन में रहेंगे, अगर आपको लग रहा है कुछ कैचेस मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे, तभी दोस्तों टीम में रखेगा, क्योंकि बैटिंग और बहुत ही डेथ में रहने वाले। 2 मैच है हेडक्वार्टर के जिसमें 7 रन है एंड वेन्यू पे 3 मैच है दोस्तों जिसमें 85 रन है, 42 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है इनका रिसेंट फॉर्म, मगर बात करें टीम सिलेक्शन की तो मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहेंगे वृद्धि मंसाह, डेविन कॉनवे एंड मैथ्यू वेट दोस्तों, ठीक है, इन 4 में से हम किसी 3 में से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, हेडक्वार्टर का 1 मैच है इसमें 22 रन है, 1 मैच है दोस्तों 1 विकेट है, तो कंसिस्टेंट है, रविंद्र जडेजा भी टीम में रहेंगे। वेन दोस्तों देखिए बैटिंग नहीं करिए बट यहाँ पे बॉलिंग करिए, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1 मैच में 1 विकेट मिली हुई है। रिसेंट फॉर्म कंसिस्टेंट है आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया के गेम्स में, तो टीम में लेकर के जाएंगे हम इनको। एंड उसके बाद यहाँ पे डेविन प्रोटेजस, हेडक्वार्टर और वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, तो सभी टीम में रखना नहीं आपको। दीपक चहल एंड देखिए दोस्तों हेडक्वार्टर का भी एक भी मैच नहीं है, वेन्यू दोस्तों एक भी मैच नहीं है, रिसेंट फॉर्म इनका भी कुछ ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, तो दोस्तों ज्यादा भरोसा इनके ऊपर भी हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए रविंद्र जडेजा को पिक करेंगे, स्पेल करा सकते हैं, वो बेन स्टोक, मैन मोइन अली, ये स्पेल दोस्तों कराएंगे तो उन पर भी दोस्तों हम भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिमरजीत सिंह, 1 मैच है हेडक्वार्टर का जिसमें 0 विकेट है, वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है, रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देखिए 2 विकेट एंड उसके बाद 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, तो सिमरजीत सिंह के ऊपर आप कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हैं, नया प्लेयर रहेगा और आपके लिए दोस्तों ट्रंप भी हो सकता है। ओके, एंड बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो हेडक्वार्टर में सबसे बेस्ट प्लेयर है, जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए जुम्मन गिल आप देख रहे हैं बढ़िया फॉर्म में, 22 करोड़ से बैटिंग करने, वृद्धि मंसाह, केन विलियमसन, हार्दिक पंड्या, राशिद खान, ऋतुराज गायकवाड़, अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा, जो कि बैटिंग से दोस्तों ये कंफर्म है, मतलब हेडक्वार्टर बहुत ही टॉप है। देखिए यहां पे एवरेज मैंने रख दिया, तो इनका सिलेक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी यहां पे देखिए सुमन गिल, वृद्धि मंसाह, केन विलियमसन, हार्दिक पंड्या, ठीक है, राशिद खान, गायकवाड़ एंड उसके बाद यहाँ पे अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा, ये हमारी टीम का सिलेक्शन रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ ये सारे प्लस आपके टीम में होने चाहिए। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो वेन्यू पे सबसे बेस्ट प्लेयर है, शुभमन गिल वेन्यू पे भी बढ़िया करना गई, तो हमने वहाँ से पिक कर ही लिया है। हार्दिक पंड्या हमने पिक कर लिया, शिवम भी देखे वेन्यू पे तो ठीक है, बट गाइस आपने देखा कुछ कंसिस्टेंट भी नहीं उतना, तो शिवम धोबी को हम लेकर के नहीं जाएंगे। बेन स्टोक को हमने रख लिया है, अंबती रायडू को रख लेंगे दोस्तों, धोनी को हम यहाँ पे बड़ी बढ़िया दोस्तों वेन्यू पे बढ़िया बैटिंग और डाउन उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल की, तो गाइस यहाँ पे देखिए शुभमन गिल जो है फिलहाल दीपक चहल ने इनको 2 बार आउट किया हुआ है, वृद्धि मंसाह को रविंद्र जडेजा ने 2 बार आउट किया, केन विलियमसन की बात करते हैं, बेन स्टोक ने इनको 5 बार आउट किया हुआ है एंड जो कि ये फिलहाल 139 रन देकर के, ठीक है, 126 बॉल में। एंड उसके बाद हार्दिक पंड्या की बात करते हैं, बेन स्टोक ने दोस्तों इनको भी आउट किया हुआ है 4 बार,
ठीक है, मतलब कि 66 बॉल में 75 रन देकर के। एंड उसके बाद गायकवाड़ की बात करते हैं, इनको राशिद खान ने दोस्तों जो है दो बार आउट किया है 35 बॉल में 53 रन दिए हुए। मोइन अली की बात करते हैं, इनको चार बॉल में दोस्तों 3 रन देकर के राहुल तेवतिया ने आउट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर बैटल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है राहुल तेवतिया वाला। तो अगर राहुल तेवतिया को दोस्तों पिक करते हैं तो फिर मोइन अली को आपको ड्रॉप करना होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। बेन स्टोक को यहाँ पे दोस्तों हार्दिक पंड्या ने 62 बॉल में 49 रन दिए, 5 बार आउट किया। तो बेन स्टोक के लिए हार्दिक पंड्या भी दिक्कत हो सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को राशिद खान ने आउट किया है 53 बॉल में 30 रन और 2 बारी, ठीक है। तो ये प्लेयर बैटल था, बाकी सिलेक्शन क्या रहेगा टीम का दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। ये गाइस देखिए मेरी पहली टीम रहेगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मेरी टीम हो सकती है। बाकी अपडेटेड टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आपको कैसे ज्वाइन करना गाइस यहाँ पे देख लीजिएगा। मतलब कि क्या करना गाइस, आपको ये वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आना, क्लिक करना मोर पे, उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, आपको यहाँ पे आना है, आने बाद यहाँ पे कंफर्म करना है टेलीग्राम चैनल जो ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा। अगर फिर से यही वीडियो पर आते हैं, यही चैनल पर आते हैं तो समझ लीजिएगा रियल है, अदरवाइज मेरे नाम से कोई पैसे मांगता गाइस तो बिल्कुल भी आपको देना नहीं है। एंड गाइस जो रियल 11 है डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको बेनिफिट में रहना, क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पे दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कितना ज्यादा एडवांटेज दोस्तों उस एप्लीकेशन का है। मतलब सारी चीजें दोस्तों बहुत ही लोवेस्ट कमीशन मिलता है आपको वहाँ पे, एंट्री फीस भी बहुत ही लो रहती है, गिवअवे भी दोस्तों मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। तो होप दैट आप लोग डाउनलोड कर लेंगे रियल 11 को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है। बाकी यार वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए अंतरिक्ष में जय हिंद जय भारत।